वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, जो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी पर आधारित डिक्टेशन है। दोस्तों डिक्टेशन की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप PDF वो है डिक्टेशन ही प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकेंड बाद। यस स्टार्ट। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा की। विराम। 1928-29 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। विराम। उस सत्र में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया, जबकि मोतीलाल नेहरू और अन्य नेता ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही प्रभुत्व संपन्न राज्य चाहते थे। विराम। पैरा। इस मुद्दे के हल के लिए गांधी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा कि ब्रिटेन को भारत के राज्य का दर्जा देने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा। विराम। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेगी। विराम। नेहरू और बोस ने मांग की कि इस समय को कम करके 1 साल कर दिया जाए। विराम। ब्रिटिश सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। विराम। पैरा। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। विराम। इसी सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया। विराम। गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। विराम। आंदोलन काफ़ी सफल रहा और इसने ब्रिटिश सरकार को प्रमुख राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। विराम। पैरा। 1929 में जब लाहौर अधिवेशन में गांधी ने नेहरू को अध्यक्ष पद के लिए चुना था, तब से 35 वर्षों तक 1964 में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु तक 1962 में चीन से हारने के बावजूद नेहरू अपने देशवासियों के आदर्श बने रहे। विराम। राजनीति के प्रति उनका धर्मनिरपेक्ष रवैया गांधी के धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न था। विराम। गांधी के विचारों ने उनके जीवन काल में भारतीय राजनीति को भ्रामक रूप से एक धार्मिक स्वरूप दे दिया था। विराम। पैरा। गांधी धार्मिक रूढ़िवादी प्रतीत होते थे, किंतु वस्तुतः वह सामाजिक उदारवादी थे, जो हिंदू धर्म को धर्मनिरपेक्ष बनाने की चेष्टा कर रहे थे। विराम। गांधी और नेहरू के बीच असली विरोध धर्म के प्रति उनके रवैये के कारण नहीं बल्कि सभ्यता के प्रति रवैये के कारण था। विराम। नेहरू जहां लगातार आधुनिक संदर्भ में बात करते थे, विराम, वहीं गांधी प्राचीन भारत के गौरव पर बल देते थे। विराम। पैरा। देश के इतिहास में एक ऐसा मौका भी आया था जब महात्मा गांधी को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू
में से किसी एक का चयन करना था। विराम लौह पुरुष के सख्त और बागी तेवर के सामने नेहरू का विनम्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण भारी पड़ा और वह न सिर्फ इस पद पर चुने गए बल्कि उन्हें सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की बागडोर संभालने का गौरव हासिल भी हुआ। विराम पैरा जवाहरलाल नेहरू के जन्म से जुड़ा एक विवादित तथ्य इंटरनेट पर यह प्रचलित है कि उनका जन्म आनंद भवन में नहीं बल्कि एक रेड लाइट इलाके में हुआ था, जहां मोतीलाल नेहरू अपनी दूसरी पत्नी स्वरूपिणी के साथ रहते थे। विराम यही कारण है कि इतिहास में उनके बचपन के 8 वर्षों का जिक्र कहीं नहीं होता है। विराम पैरा जवाहरलाल नेहरू जब अपनी माता के गर्भ में थे, तब गंगा के तट पर एक पंडित ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा देश के लिए विनाशकारी साबित होगा। विराम उस पंडित ने धीरे से मोतीलाल को बताया था कि वो अपनी पत्नी को जहर दे दे, लेकिन जब फुसफुस को मोतीलाल की पत्नी ने सुना तो उसने केवल जहर शब्द सुना तो मोतीलाल ने तर्क दिया कि वो उनके पुत्र का नाम जवाहर रखने के लिए कह रहे हैं। इस तरह हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम जवाहर रखा गया। विराम